असम दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी गुवाहाटी में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, पूरी दुनिया मंदी की गिरफ्त में है, लेकिन भारत अब भी मजबूत खड़ा है। पीएम ने कहा, पूरे विश्व को बहुत बड़ी संख्या में मानव संसाधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आईआईटी ने गुवाहाटी को नई पहचान दी है। पीएम मोदी ने कहा, जिस देश में इतने हुनरमंद युवा हों, उस देश का प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया का सपना क्यों न देखे। उन्होंने कहा कि हमें अश्रु गैस भी बाहर से लाना होता है, यह स्थिति बदलनी चाहिए। मोदी ने कहा, हमारा लोहा दुनिया ने माना है, आप सिलिकॉन वैली में जाएं, एड्रेस यूएस का है, चेहरा हिंदुस्तानी है, हर तीसरी चौथी कंपनी का सीईओ हिंदुस्तानी है, कंपनियों में 50-60% तक काम करने वाले लोग वहाँ भारतीय हैं। उन्होंने कहा, हम पहले देश हैं जो मार्स ऑर्बिट मिशन में पहली बार सफल हुआ और खर्च काफी कम हुआ। यह परियोजना सिर्फ 7 रुपए पर किलोमीटर में पूरी हुई। हॉलीवुड के फिल्म से कम खर्च में हम मार्स मिशन पर पहुंचे, यह हमारे नौजवानों के कारण संभव हुआ है। यरूशलम में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद को चुनौतियों का सामना कर रहे भारतीय और इजरायली इससे निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इजरायल के शीर्ष नेताओं के साथ आतंकवाद समेत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान सुषमा ने यहां भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। सुषमा ने सोमवार को इजरायल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने कहा कि भारत व इजरायल के आसपास के क्षेत्रों में अस्थिरता है, इसकी वजह से आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। इससे निपटने के लिए देशों के बीच, खासकर भारत व इजरायल के बीच समन्वय की जरूरत है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच सूचना आदान प्रदान को जारी रखने को लेकर सहमति बनी है। स्वराज ने कहा कि इजरायली नेताओं के साथ मुलाकात से उन्हें क्षेत्र की स्थिति को लेकर जानकारी मिली और पता चला कि किन क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत इजरायल के साथ संबंध बढ़ाने को लेकर सबसे अधिक महत्व देता है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक दलित छात्र द्वारा कथित तौर पर खुदकुशी किए जाने के बाद केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। दोनों को उनके पदों से हटाने की मांग की जा रही है। मामले पर राजनीति तेज हो गई है। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैदराबाद जाएंगे, जहां दलित छात्र ने खुदकुशी की है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब रोहित वेमुला का शव रविवार को छात्रावास के कमरे में लटका मिला था। दलित छात्रों का आरोप है कि दत्तात्रेय ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखा था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने 2 हफ्ते पहले 5 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया था। इससे व्यथित होकर रोहित ने रविवार रात हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। हैदराबाद में एक दलित शोधार्थी की आत्महत्या के मामले में आक्रामक रुख अपनाते हुए कांग्रेस ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को बर्खास्त करने की मांग की। दलित शोधार्थी रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में दत्तात्रेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पार्टी की प्रवक्ता कुमारी शैलजा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ईरानी और दत्तात्रेय दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए या प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। थिंक द प्राइम मिनिस्टर हैज टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। व्हाई शुड वी आस्क हिम टू रिजाइन? आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर हैज टू शो द वे एंड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। एंड आई थिंक एक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर अगेंस्ट द एचआरडी मिनिस्टर। हैदराबाद में एक दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या की घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा है निशाना। केजरीवाल ने मांग की है कि मोदी को इस मामले के आरोपी केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करें और देश से माफी मांगे। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये सामाजिक न्याय और समानता की हत्या है। मोदी जी को मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि दलितों के उत्थान के लिए काम करना मोदी सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। इसके बजाय मोदी जी के मंत्रियों ने 5 दलित छात्रों को बहिष्कृत
और निलंबित कर दिया है। बता दें कि मृतक छात्र रोहित उन 5 में से एक था जिन्हें पिछले साल अगस्त में विश्वविद्यालय ने निलंबित कर दिया था। इन छात्रों को हॉस्टल से भी बाहर रखा गया था। रोहित का शव 17 जनवरी को विश्वविद्यालय के परिसर में हॉस्टल के कमरे में लटका हुआ पाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के स्याही कांड में एक नया खुलासा हुआ है। मंच पर केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले ने कहा कि स्याही फेंकने के पहले केजरीवाल के पीए ने उसे मंच से उतारा था। ये खुलासा अंग्रेजी अखबार ने किया है। खबरों के मुताबिक रविवार को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल पर स्याही फेंके जाने से कुछ देर पहले उनके पीए ने सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले को मंच से उतर जाने को कहा था। केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाला जैसे ही मंच से नीचे बाकी पुलिस कर्मियों के बीच पहुंचा, फौरन भावना अरोड़ा नाम की महिला ने केजरीवाल पर स्याही फेंक दी। फिलहाल केजरीवाल को अभी जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। जनपद गाजीपुर के एक शिक्षण संस्थान के सालाना वार्षिक उत्सव कार्यक्रम से सांसद व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने गाजीपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए एक विवादास्पद बयान दिया है। सिन्हा ने कहा कि 1000 करोड़ का बजट तो सरकार गधों को अलॉट करती है। अपने भाषण के दौरान मनोज सिन्हा ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और संसद न चलने के लिए कांग्रेस को खूब कोसा। पंचकुला के सेक्टर 23 स्थित बंदर घाटी में 17 जनवरी को मिली एक युवक की अधजली लाश की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे में ही सुलझा लिया है। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मात्र 12,000 रुपयों की खातिर मृतक के दो जिगरी दोस्तों ने सुनील की हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए लाश पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों रवि और सोनू को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। इंडियन मुजाहिदीन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल तहरीर आतंकी गुट की गतिविधियों को लेकर अंबाला पुलिस कमिश्नर ने हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने लोगों से जागरूक और अलर्ट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति और गतिविधि देखने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। जैसा कि अक्सर होता है कि 26 जनवरी के आसपास जो देश विरोधी ताकतें हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और उनका जो स्टैंडर्ड टेररिस्ट टूल है कि बम के धमाके करना या शूट आउट करना, इसकी योजना में वो रहती है। हमें भी इसके बारे में चेताया गया है, अलर्ट किया गया है और हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारा बाकी विभाग से समन्वय हो चुका है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और पूरी तरह से तैयार है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हरियाणा के मेवात के पास से अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। अब तक 4 आतंकियों को पुलिस अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर चुकी है। आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर 2015 में भारत लौटा था। पठानकोट हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है। इस कड़ी में सिरसा एयरबेस के पास गांव झोपड़ा में एक संदिग्ध को गांव वालों ने पकड़ा है। संदिग्ध का नाम मोहम्मद शब्बीर अली मंडल है और वह खुद को पश्चिम बंगाल के मालदा का निवासी बता रहा है। ग्रामीणों ने संदिग्ध को एयरफोर्स के अधिकारियों के हवाले कर दिया है। शब्बीर अली एयरफोर्स स्टेशन के पास चक्कर लगा रहा था। एयरफोर्स के अधिकारियों ने पूछताछ के बाद शब्बीर को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पूछताछ में उसने बताया कि वो पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है। पुलिस ने वहां फोन कर जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ कि जो पता उसने बताया है वो ठीक है। पठानकोट वाला जो कांड हुआ है, बैंक कारण माने डरो विवेक ने पकड़ाओ बढ़े बैंक कारण में पकड़ा गया यार एयरफोर्स का। इसके बारे में पता लगा है कि ये मेंटली डिस्टर्ब है और वहाँ रांची के किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ से ये निकल के यहाँ तक पहुँचे। हरियाणा प्रदेश में अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। ताजा मामला यमुनानगर के पुराना हमीदा में देखने को मिला है, जहां एक डॉक्टर यशपाल रोजाना की तरह गत रात को क्लिनिक बंद कर अपने बेटे पंकज के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में शादीपुर गांव के मदरसे के समीप पहुंचने पर बाइक सवार 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया और उन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान हमलावर उनके पास मौजूद सामान लूट कर मौके से फरार हो गए। शादीपुर निवासी असलम ने बताया कि वह रात के समय अपने घर पर ही था, उसी दौरान उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसने सोचा कि शायद बच्चे बुलेट पर पटाखे चला रहे हैं। दुकान बंद करके जी पिताजी और मैं आ रहे थे तो रास्ते में पीछे से बाइक वाले आए, बाइक के आगे बाइक निकाल रख दी और बंदूक हाथ से निकाल के सिर पे रख दी
और जो सामान था सारा ले गए। जब गोलियों की आवाज़ सुनी है मैंने, मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पे था, बट मैं ये सोचता रहा भी ये कोई पुलट पे पटाखे चलाते हैं लड़के आजकल के, हर रोज का काम है वहाँ पे, मेरे घर के पास जो पटाखे चलाते हैं आगे वहीं पे खड़े रहते हैं, वहीं पटाखे चलाते हैं। उसके बाद मेरे को पड़ोसी एक लेडीज ने आगे बताया भी पीछे गोलियाँ चल रही हैं, मैं भागे गया, उसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया। बाद में उनकी पड़ोसी ने बताया कि उनके घर के समीप ही किसी को गोली लगी है। इस पर जब वह मौके पर पहुंचे तो डॉक्टर यशपाल को बाइक सवार तीन युवक गोली मारकर उनके पास से मोबाइल, पैसे व पर्स छीनकर फरार हो गए थे। इस पर उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। इतना ही नहीं, गांव वासियों ने लड़कों द्वारा छोड़ा गया 15 गोलियों का एक पट्टा, एक देसी पिस्तौल भी मौके से बरामद कर पुलिस को दे दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर ही उन्होंने जाम लगाया था। ग्रामीणों द्वारा जाम लगाए जाने की सूचना के बाद डीएसपी अजय राणा व डीएसपी मदन लाल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जमीयत उलेमा के उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल रजाक ने एक भड़काऊ बयान दिया है। राज्य में बरकरार तनाव के बीच मुफ्ती अब्दुल रजाक ने मुसलमानों से कहा कि कोई उनके घर की ओर आए तो मार डालो। उन्होंने कहा, मैं पहले भी मुसलमानों से कह चुका हूँ, एक और बार फिर कहता हूँ कि अगर उनके घर की तरफ कोई आँख उठाए, चोरी करे, आतंकवाद आए तो इतना मारो कि मर जाए। मुसलमानों से कहेंगे हम कि अपने घरों में बैठे रहो, आपके घर पे कोई डाका डाले, चोरी करे, आतंकवाद आए, इतना मारो कि हाथ पर चोट डालो, किसी को मैं छोड़ना, मुसलमानों से कहते हैं लट चला, कई मरतक कह चुका हूँ। मुफ्ती अब्दुल रजाक ने कहा कि जिस दिन मुसलमान बदल गया वह छठी का दूध याद दिला देगा। मीडिया से बातचीत के दौरान मुस्लिम नेता ने नाराजगी जताते हुए कहा, हमने आपको बुलाया, सब समझा दिया, अब हम मुसलमानों से कहेंगे, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे मरने की फिक्र नहीं। मंत्री परिषद ने प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित 25% कोटे को बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया है। इससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों को 120 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को 20 सीटें मिलेंगी। कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि अगले महीने होने वाली मंत्री परिषद की बैठक खंडवा के हनुवंतिया टापू पर 2 फरवरी को होगी। शासकीय स्वशासी एवं प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालयों की स्टेट कोटा सीटें 50% सीट सेवारत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित करने के संबंध में भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। पाकिस्तान ने वीडियो स्ट्रीमिंग साइट यूट्यूब पर लगा बैन हटा दिया है। यूट्यूब ने पाकिस्तान के लिए लोकल वर्जन लॉन्च किया है। गौरतलब है कि साल 2012 में यूट्यूब पर इस्लाम का कथित अपमान करने वाली फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम अपलोड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर बैन लगा दिया था। पाकिस्तान की टेलीकॉम रेगुलेटरी पीटीए ने कहा कि यूट्यूब की मालिक कंपनी गूगल द्वारा पाकिस्तान के लिए लोकल वर्जन लाने के बाद ये बैन हटाया गया है। यूट्यूब के इस लोकल वर्जन में यह सुविधा दी गई है कि पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट को सरकारी एजेंसी फिल्टर कर पाएगी। पाकिस्तान में साल 2012 में यूट्यूब में इनोसेंस ऑफ मुस्लिम अपलोड होने के बाद हिंसा भड़क गई थी। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक एक बेहतर ऐप ब्राउजर का परीक्षण कर रहा है जो उपयोगकर्ता को इस बात की सुविधा प्रदान करेगा कि यदि वे फेसबुक ऐप छोड़े बगैर किसी दूसरे पृष्ठ को चेक करना चाहते हैं तो वे अपने इनपुट अपने URL में रख सकेंगे। TheNext.com की रिपोर्ट के मुताबिक एस्थेटिक शिफ्ट के अलावा नीचे एक नया बार आपको बताता है कि कोई पोस्ट कितना लोकप्रिय है। इसमें बैक और फॉरवर्ड बटन भी है जो आपको बुकमार्क पृष्ठों पर ले जाते हैं और एक मेन्यू बटन भी है जिसमें कुछ और फीचर भी शामिल हैं। इसमें जो एक बड़ा फीचर गायब दिखता है वो है सपोर्ट टैब, लेकिन नया ब्राउजर लगभग एक पूर्ण ऐप के करीब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अच्छे ब्राउजर के साथ फेसबुक ऐप अपने आप में महत्वपूर्ण रूप में एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी बन सकता है। राजधानी दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। शुरुआती नरमी के बाद अब सर्दी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। पिछले 4 दिनों से बड़ी ठंड ने मंगलवार को खासी परेशानी खड़ी कर दी है।
मौसम विभाग की माने तो मध्य पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते अगले दो दिन तक न केवल दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आएगी बल्कि बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है, जिसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ा है। पंजाब, उत्तर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। कोहरे की वजह से करीब 200 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अचानक हुए मौसम में बदलाव और शीतलहर के चलते औरैया जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं या फिर अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं। मौसम के इस बदलाव ने आम जनमानस को भले ही ठिठुरने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन ये करवट किसान के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों को मौसम की करवट ने उनके अंदर अच्छी फसल पैदावार की नई उम्मीद फिर से जगा दी है। तो ऐसे में अगर आपने अपने गर्म कपड़े संभाल दिए हैं तो फिर से निकाल लें, क्योंकि ये कड़कड़ाती ठंड इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 31 जनवरी को खेला जाने वाला तीसरा T20 मैच गुलाबी होगा। यह कदम मैकग्रॉथ फाउंडेशन की सहायता करने के लिए उठाया गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट भी गुलाबी था, लेकिन बारिश के कारण टेस्ट मैच में काफी बाधाएं आई थी। कुल मिलाकर 2.5 दिन का खेल खेला गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जारी एक बयान में कहा कि मैकग्रॉथ फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रॉथ द्वारा चलाया जाता है। इस फाउंडेशन की कोशिश तीसरे टेस्ट के माध्यम से $3,80,000 के फंड को इकट्ठा करने की थी, लेकिन तीसरे टेस्ट में बारिश के कारण फंड जमा नहीं हो पाया था। मैकग्रॉथ फाउंडेशन स्तन कैंसर से जूझ रही महिलाओं के लिए काम करता है। गुजरात के मध्यम तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 जनवरी से शुरू हो रही T20 क्रिकेट सीरीज के लिए घायल मोहम्मद शमी की जगह भारतीय T20 टीम में शामिल किया गया है। बुमराह ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 9 मैचों में 14 विकेट लिए हैं। चोट के कारण लंबे समय तक भारतीय टीम से बाहर रहे शमी को 3 मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले ही मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर होना पड़ा था। BCCI ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि चयन समिति ने जसप्रीत बुमराह को भारतीय T20 टीम में मोहम्मद शमी की जगह शामिल किया गया है। शमी चोट के कारण बाहर है। भारतीय टीम को 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। बुमराह 22 जनवरी को T20 टीम के बाकी सदस्यों युवराज सिंह, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा, सुरेश रैना और हार्दिक पांड्या के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। भारतीय टीम वनडे सीरीज पहले ही गंवा चुकी है। अब वह T20 सीरीज जीतकर मार्च में होने वाले T20 विश्व कप से पहले अपना मनोबल ऊंचा करना जरूर चाहेगी।